हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट जो चैप्टर था हमारा द सोलर सिस्टम, उसका फिनिशिंग करेंगे। ओके, आज हमारा वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बस एक दो एक्सप्लेनेशन आपकी और बाकी, उसके बाद द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। बिफोर कमिंग टू द पॉइंट कि आप लोग का और रेस्ट कौन सा एक्सप्लेनेशन बाकी है, आई वॉन्ट कि हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें। पहली सबसे पहले हम लोगों ने सोलर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था कि ये सोलर सिस्टम सबसे फर्स्ट वर्ड जो मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया था, सेलेस्टियल बॉडीज, एनी नेचुरल बॉडी दैट फाउंड आउटसाइड द अर्थ एटमोसफेयर, उसको हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। बार बार ये कह रही हूँ, क्यों नेचुरल बॉडीज़ कहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट होती है, हम उसे बनाते क्रिएट नहीं करते, दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एट आउटसाइड द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट्स क्या क्या है, मून्स क्या है, सन क्या है, स्टार्स क्या है, इसी सब के बारे में हमने पढ़ा है ना। उसके बाद हमने पढ़ा है ऑर्बिट क्या है, कौन किसके रास्ते मूव करता है, सन अर्थ से कितना दूर है, मून अर्थ से कितना दूर है, यही सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में की है। ओके, नाउ हमारा अब का जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है कॉन्स्टिलेशन। ओके, कि कॉन्स्टिलेशन क्या है। तो बच्चों, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे, ट्विंकल करते रहते हैं, कभी कभी बहुत सारे तारे मिलके बहुत सारे फिगर्स भी बनाते हैं। तो कभी कभी आसमान में जब आप देखोगे ना, तो तारे साथ में मिलके कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं। वो जो वेरियस डिफरेंट शेप्स फिगर्स होता है ना, वही फिगर्स कॉन्स्टिलेशन बॉडीज कहलाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। When you see in the night at the sky, various stars form different types of figures. That is called constellation. Okay, उसी को हम लोग कहते हैं constellation. कभी भी अब जैसे आसमान में आप लोग देखोगे नॉर्मली भी, तो हम लोग अगर तारों को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि कुछ फेसेस बन रहे हैं। अभी भी अगर आप देखो तो जैसे रात में हम लोग देखते हैं, मैं भी अगर एक दो तारे दो तीन को मिला दूँ तो एक स्माइली मोमो बनता है। तो मुझे एक स्माइली मोमो जी बनेगी, आप देखना, एक दो तीन। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिलेशन नहीं है, वो हमारा ओन पर्सनल कॉन्स्टिलेशन है। बट लिटरली जो कॉन्स्टिलेशन होता है सोलर सिस्टम में, वो एक टाइम पीरियड, ऐसा नहीं बच्चों कि एक मौसम में होता है, एक मंथ में होता है, एक ईयर में होता है, एट टाइम जब स्टार्स वैसे फॉर्म होते हैं कॉन्स्टिलेशन फॉर्म होता है। हाँ, एक एरा होता है जब कॉन्स्टिलेशन होते हैं। ओके, और इस बीच अगर आप जानना चाहो कि सबसे मेजर कॉन्स्टिलेशन हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, तो उसरा, USRA, उसरा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मेजर कॉन्स्टिलेशन। आप चाहो तो इस बारे में आगे पढ़ाई भी कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों पोल स्टार। व्हाट इज पोल स्टार। पोल स्टार ऑब्वियसली एक पोल है। हम पोल मतलब नाम से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पोल स्टार मतलब बीचों बीच में कुछ है, स्टार है, मे बी कुछ तो उसका काम होगा। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना बच्चों, लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं थे, टेक्नो नहीं थे। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नो है, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग नए नए डिवाइसेस यूज़ करते हैं। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था। पहले के लोग हमसे ज़्यादा बहुत जीनियस होते थे। अभी के लोग इन्वेंशियस हैं, बट पहले के लोग जीनियस थे। तो वो जीनियस लोग ना हर अपने नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ में भी इन्वेंशंस करके रखते थे। तो पोल स्टार भी वैसे ही एक इन्वेंशन है। जब लोग वहाँ पर लॉन्ग वे रन कहीं भी जाते थे, दूर कहीं और डायरेक्शन नहीं मिलता था, तो वो लोग तारों को देख करके डायरेक्शन ढूंढते थे। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है, साउथ स्टार साउथ की डायरेक्शन बताता था। सो दैट साउथ दे इन्वेंटेड, उस तरह के तारों को पोल स्टार कहते हैं। सो हुआ ना, पहले के लोग जीनियस हुए कि नहीं। स्टार से बच्चों लोगों ने आने जाने का रास्ता ढूंढ लिया। अगर वो कहीं पर गुम हो जाए तो उन्हें हमारी तरह मोबाइल में नेटवर्क फाइंड करके कंपास ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तारों को देखते हैं और वहाँ से उन्हें पता चल जाता है कि ये हम किस डायरेक्शन में जाना और हम किस डायरेक्शन में हैं। तो उस टाइम पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो स्टार्स यूज होते थे, दैट स्टार इज कॉल्ड एज अ पोलर स्टार। ओके, इन एशियंट टाइम्स, नेवर फॉरगेट टू राइट दैट, क्योंकि अभी के टाइम पर आई डोंट थिंक सो यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों ऑर्बिट। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को ऑर्बिट के बारे में बताया, बट अगेन रिकॉल इट, ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट इज़ अ पाथवे। ऑर्बिट क्या है, एक ऐसा रास्ता है, वो रास्ता है जिसके अराउंड, जिस पर कोई भी प्लैनेट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करता है, चलता है, घूमता है। ठीक है, ऑर्बिट इज़ अ पाथवे ऑन विच अ सेलेस्टियल बॉडी और प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड। ठीक है, वो उसका पाथ है, उसका रास्ता है जिसके चारों तरफ एक सेलेस्टियल बॉडी घूमता है, उस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ओके, नाउ आपका ये चैप्टर यही तक था। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है।
तो क्योंकि आपका चैप्टर फिनिश हो गया इसका मतलब ये नहीं कि स्टडीज़ आर कम्प्लीटेड. बच्चों चैप्टर फिनिश हो गया हमें कब पता चलता है, वेन वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. जब हम किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फुल्ली आंसर कर लेते हैं तब अर्न होता है कि हमने किसी भी चैप्टर को फुल्ली अंडरस्टैंड कर लिया या चैप्टर कम्प्लीट हो गया. ठीक है, एग्जाम्स में बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे और बहुत तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे. आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न कि कैसे हम लोग हर क्वेश्चन को बच्चों आंसर करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है. हर क्वेश्चन हर तरह से आंसर किया जाता है. वर्डिंग्स मायने रखता है कि अगर 2 मार्क्स का है ब्रीफली बोल रहा है तो हमें कितने वर्ड्स यूज़ करने हैं, 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के जितना यूज़ करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डिमांड को हमें फुल करना है. ओके, सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ. ठीक है, आप उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, राइट इट डाउन एंड देन लर्न इट. नहीं भी तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम से टच करते हैं. आई एम नॉट अ गूगल, मुझे नहीं एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट लमसम मैं आप लोगों को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगी, उसके आंसर्स भी बताऊंगी एंड वी विल डील इट फर्दर कि एग्जाम्स में इसमें से कितना परसेंट आता है. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा, व्हाई देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ. या फिर इसको और में मैं रखती हूँ, एक ही चीज में 2 क्वेश्चन है. व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है और पृथ्वी पे जिंदगी क्यों है. तो इसका आंसर है, देयर इज़ लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ. यहाँ पे अर्थ पे लाइफ इसलिए क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करता है. क्यों? बिकॉज ऑन अर्थ देयर इज़ वाटर एंड एयर, वी गेट ऑक्सीजन, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन अप्रोप्रिएट मैनर. ठीक है, हमें वो प्रपोर्शन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन मिलता है तभी तो हम यहाँ पे रह पाते हैं. अर्थ इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, पृथ्वी ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर रह सकते हैं. एंड इसीलिए अगर यूनिक भी है तो अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ एज वी गॉट एज देयर इज़ वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ, ऑक्सीजन क्लाइमेट एंड टेम्परेचर आर फाउंड इन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन दैट सपोर्ट्स लाइफ या दैट हेल्प अस टू लिव ऑन अर्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि अर्थ पे लाइफ क्यों है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे और मून, चांद और तारे रात में क्यों चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं. तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, तारे चांद कभी डूबता नहीं और तारे और चांद कभी आसमान से ख़त्म नहीं होते. ऐसा नहीं है कि सुबह हुआ तो सूरज उगते हैं और सुबह में सूरज उगते हैं तो चांद और तारे हट जाते हैं, ऐसा नहीं है. जैसे सुबह होने पे सूरज उगता है तो भी चांद और तारे आसमान में रहते हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम द पावर ऑफ सनलाइट, मेक्स द मून एंड स्टार्स इनविजिबल इन द स्काई. जो सन के जो हीट का जो उसका सनलाइट का जो पावर जो ताकत होता है ना वो क्या करता है, मून और स्टार्स की रोशनी को छुपा देता है, इतना पावरफुल होता है. जैसे जैसे सन का जो लाइट का पावर है वो कम होते जाता है, वो धीरे धीरे विजिबल फिर एक मोशन आता है रात हो गई फिर वो पूरा हमें विजिबल हो जाते हैं, वो ट्विंकल करते रहते हैं. क्योंकि मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था सन इज़ अ पावर हाउस, हर प्लैनेट हर सेलेस्टियल बॉडी गेट देयर हीट एंड एनर्जी फ्रॉम सन. सन एक पावर हाउस है तो सोचो उसके पास कितना हीट कितना पावर है. इसलिए जब वो आसमान में उगता है तो मून और स्टार्स क्या करते हैं, उसकी रोशनी से छिप जाते हैं. उसकी रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उनकी रोशनी दब जाती है और जब शाम ढलती रहती है जब फाइनली नाइट आती है तो वो अपनी पूरी लाइट को क्या करते हैं, ट्विंकल करने लगते हैं. इसीलिए हमें सुबह में चांद और तारे नहीं दिखते, रात में दिखते हैं. बट बच्चों वो सुबह में भी आसमान में होते हैं, ऐसा नहीं कि सूरज उगता है तो चांद डूबता है, नथिंग लाइक दैट. वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, वो वैसा ही रहता है. उसके प्लेस चेंज होते हैं बच्चों, मून का प्लेस चेंज होता है बट वो ऐसा नहीं कि वो नीचे जाता है ऊपर उगता है और डूबता है. मून अपने प्लेस को चेंज करता है. ओके, एंड मून अपने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है. अभी यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज अ मून टेक टू कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मून कितना टाइम लगाता है. तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मून टोटल 27 डेज लगाता है. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके बाद मैं आपसे ये सवाल करूँ डिफाइन सोलर सिस्टम या वॉट इज सोलर सिस्टम, तो आप क्या आंसर करोगे.
the moon, the sun, the planets, the nine planets, asteroids and meteoroids form the solar system, जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था. Next question, why there is no life on the moon? अब हमने ये तो जान लिया कि अर्थ पे जिंदगी क्यों है, मून पे जिंदगी क्यों नहीं, मून पे लाइफ सपोर्ट क्यों नहीं करता. जैसे कि हमने देखा कि पृथ्वी पे पानी और हवा है, ठीक उसी तरह बच्चों चांद पे पानी और हवा नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जी सकते. वी कैन नॉट सर्वाइव देयर, इसलिए वहाँ पर जिंदगी नहीं है. देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो वाटर एंड नो एयर. ठीक है, सो वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द मून. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन ये पूछूँ कि वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, सब लोग आप लोग जानते हो कि अर्थ का 70% ऑफ द बॉडी किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है, तो इसीलिए नीला प्लैनेट कहा जाता है पृथ्वी को. ठीक है, बहुत इजी इजी सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग भी बहुत आराम कर ही सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो आंसर. इसकी अगर मोर और लेस कोई क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर कि आप लोग आंसर कर लोगे. अगर मैं आपसे ये पूछूँ व्हाट आर प्लैनेट्स या डिफाइन प्लैनेट्स, तो सबसे पहला जो आप लोग सेंटेंस लिखोगे प्लैनेट में, लिखोगे इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी लिखना कभी मत भूलना. इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स ऑर्बिट, जो सन के चारों तरफ घूमता है एक फिक्स ऑर्बिट पे. ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और पॉइंट बताया था, प्लैनेट इज अ ग्रीक वर्ड दैट कम्स फ्रॉम प्लैनेटिया, जिसका मतलब होता है वंडर्स, अजूबे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, नेम देम, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो. देयर आर नाइन प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, कर लो मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, वीनस, अर्थ, मून, है ना, ये सारे आप लोग कर सकते हो. नेम द नेचुरल सैटेलाइट दैट आवर अर्थ है, तो हमारे अर्थ पे नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट दैट आवर अर्थ है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लोगी. पूछ नहीं तो एटलीस्ट अगर आपको नहीं समझ आता वीडियोस को वापस चलाइए, वापस चलाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रही हूँ. अगर फिर भी ना समझ आए बच्चों तो आप लोग क्वेश्चन मुझसे करो पोर्टल पे, मैं आप लोगों को वहाँ पर उसका जवाब दूंगी. ओके, सो इट्स बेटर कि आप वीडियोस को बार बार राउंड करके पढ़ो. जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को बताया उसे राइट इट डाउन एंड ट्राई टू लर्न इट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट स्टडी, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ, बाय बाय बच्चों.